महिला जागरूकता के लिए सम्मान अभियान शुरू करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भाव भरेगा। बेटी लाओ अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी कई बेटियों को ढूंढा जाना शेष है, उसके लिए भी अभियान चलेगा। चेकलिस्ट के अनुसार सरकार ये कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि केवल सरकार का अभियान नहीं है, इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए। सीधी में महिला से गैंगरेप की घटना पर उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम ने इस मौके पर एक और अहम बात ये कही कि बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की, बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक विशेष अभियान सम्मान चलाने का फैसला किया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच यद्यपि महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या 15% कम हुई है, समाज को जागरूक करने का अभियान में समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और अनुकूल वातावरण बने, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोकने समाज स्वयं भी आगे आ पाए, इसके लिए एक सम्मान अभियान ये चल रहा है। आपने देखा इस अभियान की शुभंकर है गुड्डी, जो एक जागरूक बेटी है। बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए? इसमें भी विचार होना चाहिए। यदि नए अपराधी सारे पकड़ लिए गए हैं और गिरफ्तार हैं और कठोर से कठोर सजा, उनको दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।